बंद कर, बंद कर, बंद कर दीजिए, बंद कर। তুমি আনঅথোরাইজড ঢুকে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। মমতা জি ধ্রুবীকরণ কা রাজনীতি করতা হয়, পুষ্টিকরণ কা রাজনীতি করতা হয়। পশ্চিম বঙ্গাল মে হিন্দু লোক খতরে মে আ রহে। মমতা বন্দরজি ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एक ओर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी ओर लगातार दूसरे साल रामनवमी की शोभा यात्राएं टारगेट हुई। हिंसा की घटनाएं देश के कई इलाके से इनकी खबरें आई हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगी पश्चिम बंगाल के हावड़ा की, जहां घटना की कवरेज कर रहे टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता कुंदन सिंह को आज रिपोर्टिंग करने से रोका गया। उन पर हमला हुआ, वो इस हमले में घायल भी हुए। ताज्जुब की बात है कि यह हमला शिवपुरी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास। कल रामनवमी की शोभा यात्रा हावड़ा के जिस शिवपुर इलाके से निकल रही थी, वहां पहले पथराव हुआ, फिर आग जनी हुई। शिवपुर में हिंसा उसी जगह पर हुई जहां पिछले साल भी रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई थी। हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी उंगली उठा रही है। 29 मार्च को ममता बनर्जी के बयान देकर कहा था कि रामनवमी के जुलूस को रोकूंगी नहीं, लेकिन यदि किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो कानून अपना काम करे। बीजेपी कह रही है कि ये उकसाने वाला बयान था। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर हिंसा की एनआईए जांच करने और केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए भी आदेश देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर अपडेट लिया है, लेकिन बात सिर्फ हावड़ा की नहीं है। क्या पूरे देश में रामनवमी की शोभा यात्रा को टारगेट किया गया है? हावड़ा के अलावा संभाजीनगर, महाराष्ट्र, वडोदरा गुजरात, सासाराम बिहार, सूरत गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मालवणी मुंबई और जलगांव महाराष्ट्र में भी पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या 2024 से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए हिंसा का तांडव हो रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी के तुष्टीकरण में झुलसी रामनवमी की शोभा यात्रा, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। टाइम्स नाउ नवभारत ये दावा नहीं करता कि बंगाल की हिंसा किसने शुरू की। भाई, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन जिम्मेदार मीडिया ग्रुप होने के नाते मैं आपको निष्पक्ष रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहती हूं। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें ऐसा लग रहा है कि रामनवमी जुलूस निकाल रहे लोगों में से एक व्यक्ति के हाथ में हथियार नजर आ रहा है। इस वीडियो पर उन्होंने लिखा, बीजेपी का दंगाबाजी फॉर्मूला फिर लागू, समुदायों को उकसाओ, हिंसा के लिए हथियार मुहैया कराओ, जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करो और राजनीतिक फायदे उठाओ। तृणमूल कांग्रेस सांसद के इन दावों के उलट बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने पथराव कर रहे लोगों का वीडियो ट्वीट करके कहा, रामनवमी पर कल का हमला ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान का नतीजा है। हम साफ देख रहे हैं कि बंगाल पुलिस दंगाइयों के साथ खड़ी है। हावड़ा की हिंसा पर इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच ये है कि आज टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर को हिंसा की कवरेज करने से रोका गया। एक तरह से उनकी मॉब लिंचिंग का प्रयास भी हुआ। पहले आप देखिए कि हमले से पहले उन्हें कैसे घटना की कवरेज करने से रोका। Gracias.
कैमरा बंद करो जी। बंद कर। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर कुंदन सिंह अब सुरक्षित है, प्रभावित इलाके से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम सब का कलेजा मुंह को आ गया था। कुंदन सिंह के चेहरे पर जिस तरह से उन्हें मारा गया, खून टपक रहा था, और जब उन्हें मारा जा रहा था, कवरेज करने से रोका जा रहा था, तो एक बड़ी भीड़ उनके पास आई, ना सिर्फ उन्हें मारा लेकिन कार को भी बहुत सी नुकसान देखना पड़ा। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर इस हमले के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनना है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनामी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है, और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हावड़ा में हुई हिंसा पर बीजेपी की ओर से बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का है। अगर इन आरोपों को राजनीतिक भी मान ले तो भी सवाल तो एक उठता ही है, आखिर हिंदू त्योहारों पे खासकर रामनवमी को क्यों टारगेट किया जाने लगा है। हावड़ा समेत देश भर में रामनवमी पर जहां भी हिंसा हुई है वो कमोबेश मुस्लिम बहुल इलाके रहे हैं। क्या अब त्योहारों के लिए हिंदुस्तान के इलाकों में धर्म के आधार पर बांटना पड़ेगा, ये हिंदू एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है? ममता बनर्जी ने इस तरह के जब बयान भी दिए हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अब हम एक देश नहीं है? हमारे धर्म अलग हैं तो हम एक दूसरे की जगह पर जा भी नहीं सकते? ये किस तरह की मानसिक स्थिति है? अगर नहीं तो रामनवमी की ये शोभा यात्राएं क्यों टारगेट हो रही हैं? एक बार नहीं, दो बार, एक के बाद एक, 2022 में भी, 2023 में भी। वैसे कल हावड़ा की हिंसा के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि एक समुदाय को टारगेट करने के लिए रास्ता बदल कर जुलूस निकाला। वैसे तो यात्रा के आयोजकों ने उसी रास्ते की परमिशन की चिट्ठी होने का दावा कर ममता के बयान को गलत बताया है, चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर है। लेकिन ममता का ये बयान सुनना जरूरी है क्योंकि वो हावड़ा हिंसा के लिए अपनी सरकार की मशीनरी को जिम्मेदार कतई नहीं मानती। उनके मुताबिक एक समुदाय टारगेट हुआ है। सुनिए ममता बनर्जी का ये बयान। सबाई के बाहर थेके भाड़ा करा गुंडा दिए मेरे दाओ, आगुन लगिए दाओ, दंगा लगिए दाओ, तुम्हारे मिचिल करते क्यों बारण करनी, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথোরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তো আজ सवाल पब्लिक का, सवाल नंबर एक, क्या रामनवमी पर हुई हावड़ा की हिंसा पर एनआईए जांच की बीजेपी की मांग सही है? सवाल नंबर दो, क्या रामनवमी के पहले ममता बनर्जी का बयान और उसके बाद हुई हिंसा से ध्रुवीकरण होगा? सवाल नंबर तीन, क्या तुष्टीकरण के खेल ने रामनवमी की शोभा यात्राओं को निशाने पर ला दिया है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज सवाल पब्लिक का के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उदित राज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता एआईएमआईएम के भी जुड़ रहे हैं, अवनिजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मानव जायसवाल से, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल जी, हम मीडिया हाउस हैं, हमारा धर्म है कि हम सिर्फ कवरेज करें, जो खबर है वो देश और दुनिया तक लेकर जाए, लेकिन क्या आज जो हमारे रिपोर्टर के साथ बंगाल में हुआ, शिवपुर इलाके में हुआ, क्या वो सही था? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है?
कि वहां कवरेज के लिए पहुंचे हुए जर्नलिस्ट को भी सुरक्षा ना मिले। मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूं मानव जायसवाल जी, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और हर इंसान को काम करने का हक देता है। मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से पूछ रही हूं, क्या ये होना चाहिए था या नहीं? पहले तो सभी को नमस्कार है नविका जी, और आपके माध्यम से पूरे देश को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो भी हुआ है, जो भी आपके रिपोर्टर के साथ हुआ है, वो बड़ी दुखद है, बहुत दुखद है। हमारी संवेदनाओं के साथ हमने हमारी जो पुलिस है उनके साथ खड़ी रही। ये आपको पता है, पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाया, मेडिकल चेकअप हुआ, सब चीज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही। लेकिन जो भी हुआ है ये दुखद है, और विश्वास करिए हमारी जो प्रशासन है पूर्ण तरीके से इसका संज्ञान लेना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रांत है वो सुखमय वातावरण में रहे, हमारे जो बच्चे हैं वो दंगा ही ना बने। जिस तरीके से एक सरकार है जो दंगाइयां बनाने वाले जो प्रशासन के लोग हैं, जो इनके अलग अलग तरीके के जो टीम है, चाहे वो क्या नाम है, विश्व हिंदू परिषद क्यों ना हो, RSS क्यों ना हो, बजरंग दल क्यों ना हो, हिंदू महासभा क्यों ना हो, ये दंगा ही बनाना चाहते हैं, ये हमारे बच्चों को दंगा ही बनाना चाहते हैं। आपने देखा तमंचे लहरा रहे हमारे बच्चे, अरे 16 साल 17 साल 19 साल के बच्चों के हाथ में बंदूक जलाया है उन्होंने। उस दिन आपको पता है कि जिस दिन जो ठेले वाले को जलाया, उनके गाड़ियों को जलाया, कैसे कर सकते हैं? कहां से ये लोग ला रहे हैं ये स्लीपर सेल? क्यों हमारे देश में आगजनी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? यानी कि आप कह रहे हैं कि ये आगजनी हुई, लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स हुआ। मैंने सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे पूछा, आपने जो कहा वो मेरे दर्शक, टाइम्स नाउ नव भारत के करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? अगर बाहर से कोई बदमाश आते हैं तो उनको कंट्रोल करने का किसकी ड्यूटी है, नंबर एक? और नंबर दो, आपको दिखा कि कुछ लोग तमंचे लेकर घूम रहे हैं, कुछ देखने में शायद फर्क हो जायसवाल जी, क्योंकि हमने जो देखा उसमें पत्थर उठाकर आग लगाने वाले भी देखे, हमने दोनों चीजें दिखाई। मैं किसी साइड नहीं ले रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन किसकी साइड में है, ये तो सब भारतीय लोग हैं। और क्या अब जब ममता बनर्जी कहती है कि हिंदू इलाके में नहीं हुआ और ये मुस्लिम इलाके में टारगेट पर है, मुझे बताइए इलाके बंट जाएंगे क्या अब बंगाल में? पूरे देश में इस तरह से इलाके बंटने लगेंगे? आप क्या दिखा रहे हैं फोन में? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि देश में इलाके अलग अलग हो गए क्या? मैडम, आपके तीन सवाल हैं, मैं तीनों के अलग अलग तरीके से उत्तर देना चाहता हूं। पहले, निश्चित रूप से हमारे प्रशासन की कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हुई है, इसमें कोई मैंने दूसरा सोच नहीं है, हम उसका पूर्ण संज्ञान ले रहे हैं। हम पूरे देश को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो लोग भी दंगई हैं, जो लोग मैंने भी पत्थरबाजी करी, जो लोगों ने आगजनी करी, इसका सारा का सारा ब्यौरा लिया जाएगा। और अभी तक ऑलरेडी हमारे लगभग 50 लोग अरेस्टेड हमने कर लिए। तीसरी बात, दीदी ने ये नहीं बोला कि ये भाई ये इलाका है उनका, ये इलाका उनका है, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला रमजान का महीना चल रहा है, रोजा का वक्त होता है, तो ध्यान रखते हुए उस इलाके से अब ना जाए जिस इलाके में रोजा हो रहा हो, जहां पे ये लोग रहे, क्योंकि रोजा आपको पता है जब इफ्तारी होती है तो शाम के वक्त इफ्तारी होती है। इनका टाइम था 5 बजे तक, इन्होंने कमिट किया था कि हम खत्म कर देंगे, 6:30 बजे इफ्तारी होती है। जबरन इन्होंने उसी रास्ते को अपनाया, और नॉट ओनली दैट, गली के अंदर घुस के नारेबाजी करी, तलवारबाजी करी। हमने तलवार नहीं लगाया मैडम, हमने तीर मंगाई है कलम की, मैं दिखाना चाहता हूं। हमने रामलला की यात्रा करी, हमने दिखाया है पूरे देश को रामलला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है हमारी, ये राम तीर है सिंबॉलिक। और आज, और ये तीर देखिए, और आज आज कलम कैसे काम करता हुआ एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार वहां इस पूरे मामले में लहूलुहान होकर निकला। और सबूत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन दो बार सवाल पूछने के बाद आपने इतना तो कम से कम माना
कि कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है लॉ एंड ऑर्डर में, आप इसका संज्ञान ले रहे हैं। मैं कम से कम इस बात पर, इस बात पर आपकी कम से कम आपने ये माना, इस बात पर कम से कम आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि आपने माना तो सही कि कोई चूक हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल आज ये है कि ये ध्रुवीकरण कर कौन रहा है, ये तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, बीजेपी के लोग आ गए, ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये क्यों हो रहा है? बस इसलिए कि वोट और चुनाव किसी ना किसी तरीके से हमेशा आसपास रहते। नाविका जी, सबसे पहले मैं जिस तरह से टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार पर नृशंस हमला हुआ उसकी निंदा करता हूं और पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षा रखता हूं कि उन हमलावरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, हालांकि हमें विश्वास नहीं कि किसी प्रकार की कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अब देखिए किस तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण का आपका जो प्रश्न है, देखिए रामनवमी का उत्सव मनाना, क्या हिंदुओं को अब पर्व और उत्सव मनाने को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथाकथित सेकुलरों के शासनकाल में? ये संभव है क्या? पहले हनुमान जयंती के जुलूस को प्रतिबंधित किया गया और कोलकाता हाईकोर्ट से उसका ऑर्डर लाना पड़ा, विजयदशमी पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न हुआ और उसके लिए भी जो है हाईकोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ा, अब रामनवमी का जुलूस निकले उसके पहले स्वयं मुख्यमंत्री महोदया कहती हैं कि आप मुस्लिम इलाके से मत निकलिए। कृपा करके बता दीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में इलाकों को धर्म के आधार पर बांटने का प्रावधान किया गया है कि ये मुस्लिम इलाका है, ये पारसी इलाका है, ये ईसाई इलाका है, ये सिख इलाका है, ये बौद्ध इलाका है, ये जैन इलाका है, ये हिंदू इलाका है? इस तरह का तो कोई इलाके बांधने की, जो बांटने की किसी प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं नहीं की। लेकिन जिस तरह की बातें स्वयं मुख्यमंत्री कर रही हैं और जिनका काम था हर किसी को सुरक्षा देना, अगर मान लीजिए कोई भड़काऊ काम, किसी ने रिवॉल्वर दिखा दिया या कट्टा दिखा दिया, तो कट्टा दिखा दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का अधिकार है। अगर किसी ने कट्टा दिखाया तो उसको किसी को गोली मारने का, पत्थर मारने का, प्राण से मारने का अधिकार तो संविधान नहीं देता, कानून भी नहीं देता है। और मुख्यमंत्री महोदया और उनके भतीजे जिस तरह से कट्टे की तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि उनको कानून एवं प्रशासन को जो है पुख्ता बनाने में कोई विश्वास ही नहीं है। अगर कोई भड़काऊ नारा लगा रहा है तो उस नारेबाज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे पास संवैधानिक और विधिक व्यवस्था है कि नहीं है, और वह विधिक व्यवस्था जो है सुश्री ममता बनर्जी का दायित्व तो है कि नहीं है? बिल्कुल सही सवाल है। और तो मनोज जायसवाल जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उदित राज जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं और उदित राज जी आप बहुत पढ़े लिखे मानव जी मैं आऊंगी आपके पास, मुझे पता आपकी कलम दिख रही है, लेकिन टीस भी उठती है कि कलम वालों को आज बचाना चाहिए था, आज वो लहूलुहान होके निकले हैं। मैं आऊंगी आपके पास, जरूर जरूर आपकी बात दर्शकों तक लेकर जाएंगे, लेकिन सबको एक चांस दे दे बोलने का, फिर आपके पास आती हूँ। उदित राज जी, मेरा सवाल ये है, क्या इस देश को अब हम इस तरह से बांटने लगेंगे कि ये हिंदू इलाका है और ये मुस्लिम इलाका है, यहां पर त्योहार है तो वहां पर मत जाइए, वहां पर त्योहार है तो यहां पर मत आइए, और इस तरह की अगर हम बात खुद करने लगे जब हम सरकार में हों तो फिर बाकी प्रजा का क्या? क्या अगर दुर्गा पूजा की इमर्शन का टाइम हो तो कहा जाएगा कि मुहर्रम की जुलूस निकलना, इसलिए दुर्गा पूजा का वहां से निकल जुलूस नहीं निकल सकता? ये किस तरह की बातें हैं और ये क्या बना रहे हैं हम अपने देश को? हमने तो ईद भी मिलकर मनाई है, दिवाली भी मिलकर मनाई है, ये हम अपने देश के इतिहास को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या मैसेज है देश के लोगों के लिए? क्या कर रहे हो मानव जी, आपको हंसी आ रही है इस बात पर? आपको हंसी आ रही है? आपको हंसी आ रही है इस बात पर कि मैंने जब कहा कि ईद और दिवाली इस देश ने इतिहास में साथ साथ मनाई है, आपको हंसी आ रही है? मानव जायसवाल जी, इसमें हास्यास्यपद क्या है? आपको किस बात का मजाक लग रहा है? आपके लिए ईद और दिवाली दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों हंस रहे हैं मुझ पर? क्या मैसेज है आपका जनता के लिए?
मनोज जायसवाल जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, मानव जायसवाल जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, फोन लाइन चेक करें। उदित राज जी बोलिए मैडम, हम कुछ पूछ रही थी, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी कहें, आप अगर इस तरह का सवाल उठाएं तो कुछ बड़ा आश्चर्य लगता है। यहां मनेसर और नूह में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, पंचायत बुलाई गई, कहा मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना है, इनका बहिष्कार करना है। आपको नहीं सुनाई पड़ा, दिल्ली में प्रवेश वर्मा आह्वान करते हैं कि इनसे सारे संबंध तोड़ दो, इनको कोई काम न दो, लेना देना बंद करो। ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित की। जहां तक ईद और दिवाली मनाने का टुगेदर, ये परंपरा गांधी जी की है, ये कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग कर दिया, ईद अलग कर दिया, दिवाली अलग कर दिया, होली अलग कर दिया, ये तो इन्होंने फाड़ दिया है। मतलब जो सद्भावना थी, जो वो फाड़ दिया। दिल्ली के नाक के नीचे इतना खतरनाक बातें हो, पंचायत में बातें हो, उसका संज्ञान ले जाए। यही नहीं, जंतर मंतर पर इन्हीं के नेता वहां आके कहते हैं, जब मुंडे काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। एक आप एक बीजेपी के लोग ये कहें सद्भावना की बात, और जो दिल्ली में बाहर के लोग आए थे दंगे के अंदर, आज तक उन्हें चिन्हित नहीं किया गया। कहां से आए थे 150-200 लोग थे? ये तो धर्म के नाम पर तीनों ने बांट किया। नाविका जी एक बात और आती है, तुष्टिकरण। आपके तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आपको हावड़ा नहीं नजर आ रहा, आप बात को भटका रहे हैं। जंतर मंतर राष्ट्रपति मुसलमान है क्या? इस देश के चीफ जस्टिस मुसलमान है क्या? इस देश के डीजी मुसलमान है क्या? इस देश के चीफ सेक्रेटरी मुसलमान है क्या? चीफ मिनिस्टर मुसलमान है क्या? कॉरपोरेट के मालिक मुसलमान है? नहीं, क्या आप क्या चाहते हुआ भाई? क्या मुसलमानों ने क्या तुष्टिकरण कर दिया है भाई? बार बार तुष्टिकरण करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके आप वोट की खेती तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान के वो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा इस देश में। रोजी रोटी के ऊपर नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर नहीं, सद्भावना के ऊपर ये चुनाव लड़ी नहीं सकते। ये कराया इन्हीं लोगों ने था। हर जगह कोई ऐसा झगड़ा हिंदू भारत में जब भी झगड़ा होता है हिंदू मुसलमान का, आरएसएस और बीजेपी उसमें उपस्थित न हो, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। हावड़ा पर आप आंख मूंद लीजिए, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपने कहे हैं, मैं नहीं मानती कि किसी को भी ये कहना चाहिए, लेकिन शायद उदित राज जी आप भूल रहे हैं कि इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, इस देश के चीफ जस्टिस अहमदी साहब रह चुके हैं। शायद आप भूल चुके हैं ये सब, आप भूल चुके हैं कि इन सभी पदों पर कोई ना कोई बैठा है। अपवाद को आप रूल बनाते हैं। अपवाद को कितने मुख्यमंत्री हैं भाई, एकाक अपवाद को बनाते हैं, कहते हैं तुष्टिकरण। क्या उन्होंने न लिया? न जमींदार हैं, न पत्रकार हैं, न वो देश के राजनीतिक, न राष्ट्रपति, न चीफ जस्टिस, कोई भी अपवाद से नहीं बनता इस देश में। इस देश में सब काबिलियत और हर किसी की काबिलियत होती है और हर किसी का सपोर्ट बेस होता है। अपवाद से कोई नहीं बनता। मेरिट की बात अगर आपने कभी सुनी हुई हो तो उदित राज जी मेरिट के बारे में भी सोचकर देखिए। हम कोई भी किसी भी बाप दादा या किसी धर्म से आ रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमारी काबिलियत है या नहीं, ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। और अवनिजेश अवस्थी जी, ज्ञान देने के लिए सारी दुनिया बैठी है, लेकिन हावड़ा में जो हुआ है और पत्रकारों के साथ जो हुआ है, वहां पर हमारे पत्रकार कुंदन सिंह के साथ जो हुआ है, और वो मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन कवर करता है,
इन्हीं तृणमूल कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियों को, समाजवादी पार्टियों को कवर करता है पार्लियामेंट में, आज उसी को निशाना बनाया गया। अवनिजेश अवस्थी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मुद्दा धर्म का है या मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है? मैं पूछ रही हूं, अगर कोई इलेक्टेड सरकार वहां सरकार चला रही है तो वहां इस तरह की वारदातें होनी चाहिए? कल जो हुई सो हुई, आज फिर हुई, पिछले साल उसी जगह पर फिर हुई, एक आदमी एक और जगह पर कहीं मर गया, क्या ये अगर किसी और राज्य में होता तो ममता बनर्जी जो धरने पर बैठी हुई थी वो अपनी आवाज नहीं उठाती? आज जब पूछा जा रहा है तो इतनी लंबी ज्ञान की बातें? नाविका जी, सामान्यतया दंगे को मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं गलत हूं तो मानव जी मुझे करेक्ट करना। उन्होंने कहा कि रामनवमी का जुलूस उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए क्योंकि रमजान के दिनों में, और दंगा रमजान के दिनों में मुसलमान तो नहीं करता, रामनवमी में हिंदू दंगा करता है। इसका मतलब आप ये कह रही हैं हिंदुओं के लिए रामनवमी कोई त्यौहार नहीं, रमजान मुसलमानों के लिए जितना महत्वपूर्ण है और पवित्र है उतना ही पवित्र त्यौहार हिंदुओं के लिए भी तो है ना। आपने हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं पे आपको विश्वास नहीं था कि रामनवमी के मौके पर, रामनवमी के अवसर पर हिंदू इतना ऐसा कोई दंगा नहीं कर सकता। बात बड़ी महत्वपूर्ण सी है, बात बड़ी सामान्य सी है नाविका जी। इस देश में आज लगातार ये जो गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब की बात कही जाती रही, उसका यथार्थ सामने आ गया ना कि उस इलाके से मत जाओ, अपनी शोभा यात्रा तुम इस इलाके से लेके जा सकते हो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इस समय मत करो, उस समय मत करो, शाम से पहले कर लो, इफ्तारी से पहले कर लो, कहां रह गई वो गंगा जमनी? ये तो इस देश के उस बहुसंख्यक समुदाय को समझना होगा कि जो अब तक उनको ये कहा जाता रहा है कि गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, ये उसका यथार्थ सामने आ गया। न सिर्फ हावड़ा में बल्कि आप ये देखिए वडोदरा में हुआ, बिहार में हो रहा है, नालंदा में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है ना। ये तो कौन लोग कर रहे हैं? ये रामनवमी के जलूस पर पथराव करने का, अगर कोई ये कहे कि खुद हिंदुओं ने अपने ऊपर पत्थर मार लिए, कह सकते हैं हिंदू महासभा नविका जी? नहीं तो अगर ये सब कर रहे हैं और हावड़ा में यही लोग हैं तो जेल में क्यों नहीं है? आप सिर्फ नाम लेंगे? सुनिए सुनिए, आपकी मशीनरी है वहां, उठाइए डालिए, प्रूव करिए केसेस। सुनिए कर रहे, रुकिए ना, पूरे देश में जो आगजनी हो रही है, जहां जहां ये दंगे की गतिविधियां बढ़ी हैं, सब जुम्मे में एक ही क्रोनोलॉजी है। कौन कौन लोग सीमित है? विश्व हिंदू परिषद जहां जहां दंगा हो रहा है, बजरंग दल जहां वहां दंगा हो रहा है, जैसे हिंदू महासभा के वहां दंगा हो रहा है, ये हो क्या रहा है? और मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, रुकिए अग्निवेश जी, मैं सुन रहा था आपकी बातें, समय आने पर बात करिएगा। हिंदुओं की बात करते हैं लोग, मैं भी हिंदू हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का मेंबर नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं RSS का भी मेंबर नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं बजरंग दल का भी मेंबर नहीं हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू महासभा का भी मेंबर नहीं हूँ। तो जो लोग हिंदू महासभा के लोग मेंबर नहीं है वो हिंदू नहीं है क्या? अरे हमने रामलला की यात्रा निकाली, 10 किलोमीटर की पदयात्रा करी, उसी रास्ते से हम गए, हमको फूल मिले, उसका फोटो है मेरे पास, हमारे साथ हमको पानी पिलाया गया, उसका फोटो है मेरे पास। तो भैया हम जब कर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे? तो हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा दुष्कर्म हुआ? क्योंकि आप लोग दुष्कर्मी हैं, आप लोग वही करते हैं। देखिए, ये देखिए फोटो, पानी पिलाई जा रही है ना, पानी पिलाया जा रहा है ना, हमारा यात्रा भी निकला, सुबह में निकला, 10 बजे वहां से हम लोग निकले, लेकिन रामलला की यात्रा निकाली। लेकिन मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, दो साल, अच्छा चलिए आपसे तो मैं महाराष्ट्र की बात नहीं पूछ रही, आपसे बंगाल की बात पूछ लूं, शिवपुरी इलाके में 2 साल एक ही जगह पर दंगे होते हैं तो ये किसका फेलियर है? नहीं मैडम, मैं बता देता हूँ, हम भरोसा करते हैं लोगों पे। अच्छा, हम लोगों पे भरोसा, आपको इतना भरोसा है कि हर बार हिंदू ही करेंगे तो रामनवमी पर, रामनवमी क्यों टारगेट होती है, रामनवमी का जुलूस क्यों टारगेट होता है, बताइए? यही तो हम बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ विश्व हिंदू परिषद की एंट्री हम लोग देते हैं, बार बार हम भरोसा करते हैं। अच्छा, बार बार ये भरोसा तोड़ते हैं। चलिए, बार बार ये भरोसा, नहीं एंट्री मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जलूस का रास्ता नहीं बदला, पहले आरोप लगाया जलूस का रास्ता बदला गया, अब उन्होंने चिट्ठी दिखा दी, जलूस का रास्ता नहीं बदला गया, अब कह रहे हैं कि जहां विश्व हिंदू परिषद आता है वहीं होती है आगजनी। बता दीजिए, हिंदू अपने आप को मार रहे हैं? नहीं नहीं सुनिए, हिंदू मत बोलिए, विश्व हिंदू परिषद बोलिए, हिंदू मत बोलिए, मैं भी हिंदू हूँ,
मैं तो नहीं मार रहा हूं किसी को, जो विश्व हिंदू परिषद के मेंबर है वो जबरन जाके आगजनी करते हैं, जबरन जाके ये तलवारबाजी करते हैं, जबरन जाके कट्टा दिखाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? माफी मांगिए अग्निवेश जी, माफी मांगिए हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के प्रमुख प्रचारक, माफी मांगिए अमित शाह जी। चलिए हावड़ा में कुछ हो तो भी प्रधानमंत्री माफी मांगे, अगर पत्रकार हावड़ा में पिट जाए तो भी प्रधानमंत्री माफी मांगे। प्रेम शुक्ला जी, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? प्रमाण हो गया ना। अरे नविका जी, मैं जवाब दे दूं नविका जी, मैंने तो बोला दंगे ही बना रहे हैं, ये तो प्रमाण हो गया कि ये दंगे ही बना रहे और ये एडवोकेसी कर रहे हैं। हम तो बोल रहे नहीं, आप एडवोकेसी नहीं कर रहे, यहाँ भी दंगा कर रहे हैं। वो क्रिमिनल है, वाचिक दंगा प्रारंभ कर दिया मानव जायसवाल ने। क्राइम जिसने किया वो क्रिमिनल है, हम क्राइम को रोकना चाहते हैं, ये वाचिक वाचिक चाहते हैं। अब शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत शांत, अरे अरे शांत शांत हो जाए। आपका सवाल का उत्तर नहीं तो आप जबरदस्ती चीख चिल्ला रहे हैं। नाविका जी मैं आ रही हूं आपके पास, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे, फिर मैं आपके पास आ रही हूं और पवन राव अम्बेडकर जी के पास। जी प्रेम शुक्ला जी, मैं जरा जरा इनको शांत कर दे तो मैं उत्तर दे दूं शांतिपूर्वक। नाविका जी देखिए संकट कैसा है, जिस विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ किसी तरह के आपराधिक मामले नहीं है, उन पर ये लगातार अनलगल प्रताप कर रहे हैं। शांत भाई, नाविका जी जरा इनकी आवाज बंद कीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं दंगाइयों के साथ जो है दंगा नहीं कर सकता, शांति कराइए। मानव जी, मेरी प्रकृति नहीं है, मानव जी आप बोल चुके हैं ना, अब दूसरी तरफ की आवाज सुन लीजिए। ये मैं नहीं, स्वतंत्र देश है, बोलने दीजिए उनको, आजादी है उनको बोलने की, बोलने दीजिए जी जी, वो तो दूसरी की आजादी छीन लेंगे। प्रेम शुक्ला जी धन्यवाद। डॉक्टर मानव जायसवाल जी देखिए, एक संगठन इस देश में है जमीते इस्लामी, इस देश में एक संगठन है जमीते इस्लामी, 12 मार्च 1993 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों से लेकर जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उन सारे आतंकवादियों की पैरवी करने का, उनके परिवारों को पालने का जिम्मा जमीते इस्लामी उठाता है। और उस जमीते इस्लामी के मंच पर जाकर सुश्री ममता बनर्जी बुर्का धारण कर लेती हैं, तो साहब विश्व हिंदू परिषद ने कोई जो है जिहादी हमले नहीं किए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जमीते इस्लामी का है। और उस जमीते इस्लामी के मंच पर जाकर बुर्का धारण करके सुश्री ममता बनर्जी ये सिद्ध करती हैं कि जिहादियों के चरण चाटन में उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, तो उनकी इस आनंद की प्राप्ति का ही एक उदाहरण था कि वो कहती है कि रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाकों से नहीं निकले क्योंकि रमजान का महीना है। साहब रमजान के महीने में तमाम बमकांड पहले हुए हैं, 12 मार्च 1993 को जब हिंदू इलाकों को टारगेट किया गया था पाकिस्तान की मदद से, तब जो है रमजान का महीना था, रमजान के महीने में तमाम जिहादी हमले करने की परंपरा रही है। लेकिन अभी सुनाते रमजान के महीनों को कलंकित नहीं करेंगे हम, सारे रमजान में जितने रोजा रख रहे हैं नहीं, रोजेदारों को नहीं, नहीं, जिनको माफ कीजिएगा, मैं नहीं मानती, जिनको अगर कोई बुरा काम करना है तो वो कम से कम किसी धर्म से बंधा हुआ नहीं हो सकता, और पवन त्योहार के हिसाब से नहीं होता। अगर अगर कोई किसी ने क्रिमिनल है और वो ना दिवाली देखेगा ना ईद देखेगा ना रमजान देखेगा, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। मैं इस बात से बिल्कुल बिल्कुल भी मेरी सहमति नहीं है। मुझे मुझे मैंने बहुत क्रिमिनल रिपोर्टिंग देखी है, बहुत से केस देखे हैं, किसी किसी एक मजहब के साथ आप किसी को नहीं जोड़ सकते। लेकिन पवन राव अम्बेडकर जी नहीं, मैं इस तरह की बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन मेरा सवाल आज इतना है, पवन राव अम्बेडकर जी माफ कीजिएगा, आज मुझे 10 सेकंड का समय दिया जाए, नहीं तो फिर कम से कम आप मजहब और त्योहार किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ मत जोड़िए, मेरा आपसे आग्रह है। मैंने बिल्कुल मजहब त्योहार पर बात नहीं की, बिल्कुल मैंने नहीं बात की, बिल्कुल मैं नहीं करता, मेरी पार्टी भी नहीं करती है। लेकिन 12 मार्च 1993 की जो शरद पवार की सरकार ने चार्जशीट फाइल की है उस चार्जशीट पे आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है।
ये शरद पवार की सरकार का आरोप है। शरद पवार मुख्यमंत्री थे 12 मार्च 1993 के बमकांड की चार्जशीट में ये आरोप शरद पवार की सरकार ने लगाया, ये मेरा आरोप नहीं है। मैं तो चलिए चलिए ये एक फैक्ट होगा, रिसर्च टीम चेक करेगी। लेकिन पवन राव अंबेडकर जी क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि रामनवमी के त्योहार पर एक ही जगह पर हावड़ा में पिछले साल और इस साल दोनों साल इस तरह की वारदातें आती हैं, स्टोन पेल्टिंग होती है, पत्थर मारे जाते हैं, आगजनी होती है, और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मुसलमान इलाके में से ना जाए जुलूस। मुझे सिर्फ इस बात को पूछना है कि अब क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, हमारा संविधान ये कह रहा है कि कौन किस मजहब से है, उस तरह से इस देश के इलाके बांटे जाएंगे। मेरा इतना सा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया नाविका मैम। स्थितियां अगर इस देश की अगर हम देखते हैं तो हम चाहते हैं कि यह देश प्रगति करे, विश्व में सर्वोत्तम स्थान पर रहे। लेकिन जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं इसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि शासन की जो नीतियां हैं वो गलत है। दूसरा कारण है पुलिस द्वारा जो कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से फेल हुई है। और तीसरा प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण है इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे सेंट्रल की हो चाहे राज्य सरकारों की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो अपना काम करने में पूरी तरह से जो है विफल रही हैं। ये तीन प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से इस देश में आज धर्म के नाम पर घटनाएं हो रही हैं। ये बिल्कुल ही जो है निंदनीय है। लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हुई, इन चर्चाओं पे कोई निष्कर्ष निकल करके नहीं आया है। अभी TMC के जो है मानो साहब ने धनुष बाण को दिखाया और धनुष बाण में कलम को लगाया। मैं इसको कंडेम करता हूं। धनुष बाण हिंसा का प्रतीक है और धनुष बाण में कलम लगाना ये इनकी मानसिक स्थिति को दिखाता है कि हम हिंसा करेंगे और कलम मार करके हिंसा करेंगे। मैं इसकी निंदा करता हूं, बहुत घोर शब्दों में निंदा करता हूं। अभी प्रेम शुक्ला साहब ने बहुत सारे स्टेटमेंट कहे। अरे मानव साहब, आपने मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर वेस्ट बंगाल में शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य को ध्वस्त कर दिया है, शिक्षा रोजगार को ध्वस्त कर दिया है। आपको यह भी मानना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह से कोई विकास के कार्य और प्रगति के कार्य नहीं हुए हैं, ये भी मानिए। धनुष बाण में आप जो है कलम लगा रहे हैं, इस देश को भारतीय संविधान को किसने बनाया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उस कलम को आप धनुष में लगा रहे हैं। आप हिंसा कलम को हिंसा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो हावड़ा में घटना हुई है उसके लिए आप पूर्णतः जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये देश ना इलाकों में बटा था ना इलाकों में बटेगा। आपकी सरकार ने वहां पर प्रशासन ने वहां पर अनुमति दी, उन लोगों को अनुमति दी जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। आप विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं, बजरंग दल की बात करते हैं, आपने परमिशन क्यों दी? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू सेना, ये अनऑथराइज्ड इस देश में संस्थाएं हैं। आप उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को आपने परमिशन क्यों दी? आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। ये संस्थाएं, ये संगठन इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला रही है, इस देश में नफरत फैला रही है। आपको इनको रोकना चाहिए था। आपने परमिशन अंजनी पुत्र सेना, शासन प्रशासन पुत्र सेना वाली दी कि ऐसी घटनाएं करें। ये तो आप तलवार और तमंचे दिखाने का काम कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो लोग घुस जाते हैं धर्म के नाम पर, और आपको पता नहीं चलता, लोग घुस जाते हैं आपको पता नहीं चलता, और सवाल अगर पवन राव अंबेडकर जी उठाते हैं तो आप तिलमिला जाते हैं मानव जायसवाल जी। लेकिन मैं मानती हूं कि इस देश में शस्त्र और शास्त्र दोनों की अपनी जगह है। किसी आत्मरक्षा के लिए भी ये होते हैं, तो किसी एक को नाम देना, कुछ कहना सही नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट जानिए पूरी तरह से। आपके हाथ में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना मानव जायसवाल जी। लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। अनीता का दिल्ली से सवाल है, हावड़ा के जो वीडियो देखे हैं उनमें पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे थे और पुलिस चुपचाप खड़ी देख रही थी तमाशा। कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी, तो क्या ममता बैनर्जी को CM पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? मानव जायसवाल जी, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है।
उनको दिल्ली याद आ गया होगा, शायद उन्होंने अमित शाह जी का भी इस्तीफा मांगा होगा कि गृह मंत्री फेलियर कैसे हो गए, चार दिन दंगा कैसे हो गया। अरे हमारे गुरु जी है प्रधानमंत्री जी, वो गोधरा कांड के बाद वो भी मुख्यमंत्री मानव मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी अपनी पब्लिक को समझिए, जब पब्लिक सवाल सीधा पूछती है तो पब्लिक को जवाब सीधा मिलना चाहिए। आप जलेबी मत बनाइए, कभी आप जा रहे गोधरा की तरफ, कभी दिल्ली की तरफ, जलेबी नहीं मांगी उन्होंने, सवाल का जवाब मांगा है। ये कड़वा सच है, इसके उसको तो मानना होगा कि गोधरा में आग जनी हुई, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। 21 साल बाद आज जब हावड़ा में हो रही है, आप उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं मैडम जी, हम तो भरोसा किए थे, अब ये भरोसे में विश्वासघाती है ना, चलिए भरोसा किए थे। अनिता जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया, क्योंकि मानव जायसवाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की थी, भरोसा किया था, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस देश में राम राज्य का उदाहरण देकर सर्वोत्तम शासन की पहचान बताई जाती है, वहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर मारकर कौन सा संदेश दिया जा रहा है? उदित राज जी इसका जवाब आप दे दीजिए। मैं चैनल पे हूं ना। देखिए ऐसा है नविका जी, पत्थर किसने मारा और किसने नहीं मारा, जब तक जांच ना हो तब तक कैसे पता लगे। और ये बंगाल बड़ा शांतिपूर्वक था, और बंगाल का एक कल्चर था, पढ़े लिखे लोग थे, हमेशा रोजी रोटी की बात करते थे, तर्कसंगत लोग थे। भारतीय जनता पार्टी जब से गई है वो कम्युनलिज्म का स्थल बन गया है, हो सकता है इन्होंने ही पत्थर बनवाया हो, करते भी है ऐसा। अब जांच का सवाल होता है, जांच का सवाल हो, इसके पहले बंगाल में कभी ऐसा होता नहीं था। 35 साल सीपीएम की सरकार थी, पहले बार दूसरे पहला जो टेन्योर था ममता बनर्जी का। उदित राज जी मुझे पता नहीं आपको बंगाल के बारे में कितनी जानकारी है, मैं तो वहां पैदा हुई हूं, और हिंसा का इतिहास, अवनी जेशी इन्हें याद करा दीजिए। आज उदित राज जी बहुत मासूम नजर आ रहे हैं, इन्हें जरा बंगाल का इतिहास बता दीजिए। उदित जी नाविका जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, देखिए किसी और कारण आंदोलन हुए ने, लेकिन विधानसभा में स्वीकार किया नहीं, वो हिंसा हिंसा नहीं है, क्रांतिकारी धरती है, वो हिंसा हिंसा नहीं है कह सकते, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं था। 55,000 लोग मारे गए, ये विधानसभा में स्वीकार किया। सिद्धार्थ शंकर रे ने जो लेफ्ट पार्टियों के साथ किया उस समय नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथ, हिंसा की अति कर दी, जनता ने उस हिंसा का प्रतिकार किया और वाम मोर्चे को सत्ता में ले आए। वही वाम मोर्चे की सरकार ने ममता बनर्जी के साथ किया, राइटर्स बिल्डिंग में जिस तरीके से उनको बाल पकड़ करके खींचा गया, जनता ने उस हिंसा का प्रतिकार किया और ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी। और उम्मीद ये की जाती थी कि ममता बनर्जी जिस सत्ता में आई हैं, वे वास्तव में उस संवेदनशीलता का परिचय देंगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सत्ता में आने के पश्चात ममता बनर्जी ने उसी पश्चिम बंगाल की जो वामपंथी सरकार थी उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए हिंसीकरण की नीति अपनानी शुरू कर दी। ये वहां के बंगाल की राजनीति का इतिहास है, और उसी तरीके से बंगाल की जनता आज मानव जायसवाल जी कह लें कि आप दिल्ली के दंगों की बात करिए, वो वीडियो है जिसमें पुलिस कम से कम डंडा तो मार सकती थी, पुलिस कम से कम उनको भागने को तो कह सकती थी, आंसू गैस के गोले छोड़ सकती थी, क्या किया? आप दिल्ली के दंगे और गुजरात के दंगे और दिल्ली के 1984 के सिखों के नरसंहार की बात करके आप अपने मैंने कहा ना सारा गुजरात में, अरे गुजरात और गोधरा एक ही चीज है भाई साहब। नाविका जी मैं चाहता हूँ कि गुजरात में, गुजरात के बारे में ना एक बार चर्चा हो जाए, वहाँ पर पुलिस ने दोनों समुदायों के लोगों इनको, दोनों इनको गोधरा याद आता है, भागलपुर नहीं याद आता, इनको 84 के दंगे नहीं याद आते, इन्हें सिर्फ गोधरा याद आता है, क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिक्स और राजनीति करनी है। पब्लिक का एक और सवाल, नासिक से राजेश सिंघल का सवाल है, जिस बंगाल ने नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी दिए, आज उसी बंगाल के नेताओं की वजह से इलाके और समाज में बंटवारा हो रहा है, इस सोच के नेताओं को केंद्र में कौन चुनेगा, ये एक सवाल। और प्रकाश गुप्ता का पालघर महाराष्ट्र से सवाल है, ममता कहीं अब हिंदुओं से ये सवाल ना पूछ ले कि आप लोगों ने यहाँ बंगाल में रहने का परमिशन लिया है क्या? जवाब दीजिए मानव जायसवाल जी। दो अलग अलग जवाब है। पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि भाई बंगाल में रामनवमी बहुत सालों से चल रही है, राम सीता मंदिर, हमारी यात्रा 10 किलोमीटर के लिए राम सीता मंदिर में जाके हमने पूजन करके उसको समाप्त किया, लेकिन कभी भी 2014-15 तक ये सब नहीं था। ये 17-18 में थोड़ा सा इनको जो वोट बैंक मिलने लगा, थोड़ा सा इनके एमपी होने लगे, तो इनका क्या है शुरू हो गया। ये है इनका तांडव, ये शमशान और कब्रिस्तान में जिस तरीके से तांडव करते हैं उस तरीके से पूरे देश में आगजनी कर रहे हैं, पूरा देश इसका संज्ञान ले रहा है। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो ब्रिटिशों की है, ये जानते हैं और ये परिपक्व है, इसमें परिपक्व है, लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि अभी हमारा देश शिक्षित हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि भाई इनके पास कोई नीति रणनीति नहीं है, इनके पास एक ही चीज है, तोड़ो और रूल करो, सांप्रदायिक गतिविधियों को फैलाओ और रूल करो, प्रेम शुक्ला जी पोलराइज करो और वोट। प्रेम शुक्ला जी को वोट बैंक समझ लिए हैं लोग। जवाब दीजिए, दूसरा जो जवाब दीजिए जी जी, ये तोड़ो कौन कर रहा है? जो जमीते इस्लामी के मंच पर बैठ रहे हैं, जो देशद्रोहियों के साथ बैठ रहे हैं, जो मालदा में बम जो है पुलिस स्टेशन को घेर कर हिंसा करने वालों का समर्थन करते हैं, जो मदरसे में बम मिलने पर उन बम बाजों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो इस देश को सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं, जो रामनवमी का त्योहार मनाने पर मना करते हैं और रमजान के लिए विशेष व्यवस्थाएं करते हैं, वो इस देश को तोड़ रहे हैं। आप रामनवमी और रमजान दोनों को इकट्ठे एक जैसा महत्व दीजिए ना, हनुमान जयंती और मुहर्रम को एक जैसा महत्व दीजिए ना, तो आप इस देश को बांटने का जो दुष्कर्म है वो ममता बनर्जी जैसे लोग कर रहे हैं, जो मुस्लिम तुष्टिकरण पर इतने अधिक आमादा है कि वो उनके बमबाजों को भी गले लगाने के लिए तैयार है, और अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा हो जाते हैं, तो ये बंटवारे का काम जो है ये क्यों चीज चल रहा है? मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, आप तृणमूल कांग्रेस से हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री के चुनाव में ममता बनर्जी को फील्ड करना चाहते हैं, और आपको जनता देख रही है, आज आप खुद के समय में बोलते हैं और दूसरों के समय में उनके ऊपर बोलते हैं। मानव जायसवाल जी, डिसिप्लिन होता है, डिबेट में भी डिसिप्लिन होता है, आप जब बोलते हैं कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, जब दूसरे जवाब दे रहे होते हैं, नहीं जब दूसरे बोल रहे होते हैं तो बीच में ना बोलिए, आपको रिबट करना मैं समय दूंगी, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन गलत बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा, नहीं तो टोकेंगे अपने समय में टोकेंगे। मानव जायसवाल जी, मैं समय दूंगी ना, मैं तो नहीं जा रही जी जी। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात खत्म करिए। नविका जी जी जी, बंटवारा वो लोग करते हैं जो हनुमान जयंती के कार्यक्रमों को बंदी कर देते हैं और हाईकोर्ट को उसके समर्थन में आना पड़ता है और हाईकोर्ट के आदेश पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। रामनवमी के जुलूसों में जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर राम भक्त जो हैं वो सांप्रदायिकता कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाला सांप्रदायिकता कैसे कर सकता है, और सर तन से जुदा करने का जो नारा लगाए उसको गले लगाने का जो काम करते हैं, देखिए इस बंगाल में स्वतंत्रता के पूर्व नोवा खाली हुआ था और नोवा खाली का परिणाम क्या हुआ, कोलकाता के दंगों का परिणाम क्या हुआ, आप जिस तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वहां बसा रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिक विकृतीकरण कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। जय श्री राम बोलना जो है मुझे आपत्ति है, और सर लेकिन आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति है, मैं भी ये कहती हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि क्रिमिनल अगर एलिमेंट है तो वो सिर्फ एक ही धर्म का होगा, वो कहीं से भी हो सकता है। पब्लिक सवाल पूछ रही है, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान से देवेंद्र सिंह का सवाल है, लोगों की गाड़ियां दुकानें जलाई गई, एक पत्रकार जो सिर्फ अपना काम कर रहा था
उससे मारपीट की गई और उस पर भी तृणमूल कांग्रेस राजनीति पर आमादा है। बंगाल की हालत देखकर देश की जनता क्यों ममता दीदी को राष्ट्रीय राजनीति में जगह देगी? ग्वालियर से यशवंत सिंह राठौर का सवाल है, दुर्गा पूजा के विसर्जन में भेदभाव करने पर हाईकोर्ट ने ममता बैनर्जी को फटकार लगाई थी, क्या ममता बैनर्जी इसे भूल गई है? चंडीगढ़ से भी सवाल है किशोर कुमार का और पूछ रहे हैं क्या ममता बैनर्जी का बयान ही इस हिंसा का कारण नहीं बना, क्योंकि उनके बयान से उपद्रवियों के हौसले नहीं बढ़े होंगे? ये सारे सवाल मानव जी आपके लिए हैं। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि भाई जिन्होंने गाड़ी जलाई वो तो पता चल गया, वीडियो में प्रूव हो गया कि भाई वो पेट्रोल बम वाले, ये बीएचपी बजरंग दल, ये लोग के लोग। दूसरी बात, जहां तक बात है कि भैया ये जो चल रहा है दुर्गा पूजा की बात, यूनाइटेड नेशन ने हमको अवार्ड दिया है, विश्व पटल पे हमने बंगाल नहीं भारत का नाम रोशन किया है, ये दीदी नहीं कर पाया, दूसरे को होगा नहीं। और जहां तक विसर्जन की बात है वो हम लोग बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ लीजिएगा। तीसरी बात, उन्होंने क्या बोला कि भैया जो उपद्रवी है जो लोग हैं ये लोग हैं, सुन लीजिए, देश में जिस तरीके से उपद्रव हो रहा है, जिस तरीके से भाजपा के अपनी बी टीम सी टीम करना चाहती है, ये पूरा देश देख रहा है। बी टीम किसको कह रहे हैं आप? हम अरे वही तो बी टीम, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और ये हिंदू महासभा। अच्छा, तो आप बहुत सही कर रहे हैं, आपका प्रशासन सही है। अंबेडकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अंबेडकर जी, नाविका जी, टीएमसी जो है ना दोहरा चरित्र रखती है, दोहरे चरित्र के साथ शासन करना चाहती है और इनकी मंशा को वहां की जनता समझ चुकी है। लेकिन मैं उदित साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बीजेपी के बारे में कहा, निश्चित रूप से 2014 के बाद बीजेपी ने इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है। आप 1969 का गुजरात का दंगा भूल जाते हैं, आप 1980 की मुरादाबाद की जो है मस्जिद पर जो जिस तरह से गोलियां चली वो भूल जाते हैं, हाशिमपुरा मलिहाना की घटना भूल जाते हैं, मुगल सराय की घटनाएं भूल जाती हैं, क्या वहां पर ईद दिवाली और तब आपको नजर नहीं आता है? आप कांग्रेस में बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने जो है आरएसएस को जन्म दिया, आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, आप उस पार्टी में आज शामिल हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया, आप उस पार्टी में हैं जिसने इस देश में लोगों के बीच में जहर बोने का काम किया है, आपको इसको मानना पड़ेगा। यानी कि ये साफ होता चला जा रहा है कि ये सब राजनीतिक एक्सपेरिमेंट है, ये राजनीतिक एक्सपेरिमेंट और ये लैबोरेटरी बन चुकी है ये पूरी देश और हर राज्य, जहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव होता रहता है और चुनाव में ध्रुवीकरण, किसी एक पार्टी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जाता, हर पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। तो अगर तृणमूल कांग्रेस उंगली उठाती है बीजेपी की तरफ तो एआईएमआईएम की एक उंगली उठती है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के लिए। राम की भारत की संस्कृति के नायक है, राम नवमी पर हुई हिंसा सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, यह भारत की संस्कृति पर हमला है, भारत के सामाजिक ताने बाने पर हमला है। ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की बात जरूर करती हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी के विवादास्पद बयान के बीच हावड़ा जैसे घटना हुई है तो यह उनकी राजनीति पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। यह आज पब्लिक के सवालों से बहुत सही से उजागर होता है। क्या इस देश में हम सिर्फ वोट की गिनती नहीं, देश के नागरिकों की गिनती करें और उनका ध्यान रखें तो ये क्या बेहतर नहीं होगा? आज सारे पैनलिस्ट से यही गुजारिश करूंगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं इजाजत, नमस्कार।